हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ऐसी पांच बातों पे कि जब आप बच्चे को पढ़ाने बैठे तो आपको भी बहुत अच्छा लगे और आपका बच्चा भी मन लगाकर पढ़ाई करे। क्योंकि इस समय लॉकडाउन भी चल रहा है और बच्चों को पढ़ाने में बहुत दिक्कत आ रही है पेरेंट्स को, क्योंकि बच्चा उनकी बात नहीं सुन रहा है। क्योंकि बच्चे के तो मजे हो रहे हैं, बच्चा थोड़ा समझ रहा है कि उसका कोई नुकसान हो रहा है या उसको पढ़ना नहीं आ रहा है तो आगे जाके उसको प्रॉब्लम होगी। लेकिन पेरेंट्स के लिए इस समय बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कि उनका बच्चा उनकी बात नहीं सुन रहा है और वो पढ़ नहीं रहा है। अगर वो पढ़ाने भी बैठते हैं तो बच्चा कुछ ना कुछ बहाना कर वहां से चला जाता है। तो ऐसी कौन सी पांच बातें हैं जिनके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं, तो मेरी वीडियो को प्लीज आप एंड तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चे को पढ़ाते समय हम किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले तो ये बात है कि आप बच्चे को क्या पढ़ाने वाले हैं, किस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले हैं, उसके बारे में देखिए। कि आपने ये एक साथ आप बच्चे को है ना बहुत सारे बुक्स कॉपीज इकट्ठी करके निकाल दी आपने कि बेटा आपको ये भी पढ़ना है, आपको ये भी पढ़ना है, आपको ये भी लर्न करना है, या स्कूल से वर्क आया है आपको ये भी करना है, तो बच्चे के पास इतना सारा ढेर लगाकर मत रख दीजिए। अगर आपने बच्चे के सामने इतना सारा ढेर लगा दिया ना, तो जो थोड़ा बहुत उसका मन था पढ़ने का, आपके पास बैठा था आपकी बात मानकर, उसका वो इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप बच्चे को केवल एक ही सब्जेक्ट निकालिए बच्चे के सामने और बच्चे को उसको बताइए कि बेटा आपको ओनली आपको आज एक ही सब्जेक्ट करना है अभी, तो आप इसको ना पहले वर्क कर लीजिए और अगर आप उसको लर्न करवा रहे हैं तो उसको लर्न करवाने के बाद उसको लिखवा लीजिए, तो बच्चे को ज्यादा हेडेक भी नहीं होगी कि हाँ चलो एक ही तो सब्जेक्ट है मैं पढ़ लेता हूँ। आप ऐसे करके दिन में आधा आधा घंटा उसको पढ़ा सकते हो। अगर आपने बच्चे के सामने, अगर आपको पता लग रहा है कि नहीं दो तीन सब्जेक्ट है मुझे बच्चे को आज पूरा वर्क भी कराना है, तो आप उसको थोड़ा सा गैप देकर करवाइए। आप जैसे आधा एक घंटा आपने सुबह ले लिया, मैंने आपको पहले ही बताया एक घंटा आपने सुबह ले लिया और एक घंटा आप उसको शाम को ले सकते हैं, क्योंकि पूरा दिन बच्चा आपके पास आपके घर पर ही है। तो आप उसको कभी भी ये नहीं कि आपने जब देखा बेटा पढ़ो, बेटा ये वर्क कर लो, बेटा ये कर लो, ऐसे मत करिए। आप उसको एक घंटा सुबह एक घंटा शाम को दीजिए और उसके साथ आप खुद बैठिए, यह बहुत जरूरी है। और अगर आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तब भी आप बच्चों, तब तो आपकी मजबूरी है कि आप बच्चे को दो घंटे एक साथ पढ़ाएंगे, तो आप बच्चे को थोड़ा थोड़ा बीच में गैप दे दीजिए कि आधे घंटा वर्क कर लिया बच्चे ने, आधा घंटा उससे बोलिए कि आप कुछ कलरिंग कर लो, ड्राइंग कर लो, या ये लर्न कर लो, चलो आप लिखने का वर्क छोड़ दो, आप थोड़ी सी देर लर्न कर लो, मैं आपसे सुन लूंगी। ठीक है, तो आप किसी दिन अगर उसका वर्क ज्यादा आ रहा है, वैसे तो उनसे बोलिए कि होमवर्क वो घर पे ही करें, अगर वो होमवर्क भी आप ही करा रहे हैं तो आप उनसे बोलिए कि आप थोड़ी देर बीच में रिटर्न वर्क छोड़कर लर्न कर लीजिए, या उनको कलरिंग दे दीजिए, ड्राइंग दे दीजिए, ताकि बच्चे का इंटरेस्ट खत्म ना हो। वो तो आपकी मजबूरी है क्योंकि वो ट्यूशन पे आपको दो घंटे एक साथ पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो घर पे पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं वो बच्चे को एक घंटा सुबह और एक घंटा शाम को दीजिए। सेकेंड टिप्स है कि आप बच्चे को जमीन पर बैठकर पढ़ा रहे हैं या टेबल चेयर पर पढ़ा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि हर किसी के घर में टेबल चेयर नहीं है, है ना। तो बच्चे को क्या कर रहे हैं, जमीन पर बिठा देते हैं, कॉपी भी नीचे जमीन पर रख दी, अब बच्चा झुक झुक कर वर्क कर रहा है, उसको ना तो ढंग से लिखने में आ रहा है, उसकी बैक भी पेन हो रही है, तो बार बार आपको परेशान करेगा, मम्मा मेरी बैक दर्द हो रही है, मेरी कमर दर्द हो रही है, मुझसे नहीं बैठा जा रहा, टांगे दर्द होने लग जाती है बच्चों की, बहुत देर तक फोल्ड करके बैठते हैं। तो आप क्या करिए कि बच्चों के लिए एक आजकल टेबल आती है, आप बच्चे को जमीन पे बिठाए, लेकिन एक वो टेबल रहती है उसको बनवा लीजिए, या बाजार में आजकल मिलती है उस पर बच्चों को कॉपी रखवाइए, या फिर आप क्या करिए कि आप सोफे की गद्दियां होती है उन गद्दियों को डबल करके उन बच्चों को आप दे सकती है कि इस गद्दी के ऊपर आप बैठकर वर्क करो, तो बच्चों की बैक भी सीधी रहेगी और बच्चों से प्रॉपर लिखा भी जाएगा, क्योंकि बच्चा जब झुक झुक के वर्क करता है ना तो बच्चों को समझ में भी नहीं आता कि वो क्या लिख रहा है, उसकी राइटिंग में इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। तो इसलिए आप थोड़ा सा स्पेस को ऊंचा रखिए, अगर आपके पास टेबल कुर्सी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप एक टेबल आती है जो जमीन पर बैठ के बच्चे या बिस्तर पर बैठ के बच्चे वर्क कर सकते हैं उसके ऊपर, या आप घर पे ही सोफे की जो आपकी गद्दियां होती हैं, या आपके पास सोफा नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप पिलो लगा दीजिए, बच्चों को दो पिलो लगा दीजिए और उसके ऊपर उनकी कॉपी रख दीजिए, तो बच्चा उस पर भी आराम से कर लेगा। तीसरा पॉइंट है कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को बीच में दूर दूर बिठाइए, उनके बीच में डिस्टेंस रखिए। अगर आप घर पे आपके दो बच्चे हैं
तो आप बच्चों को सेंटर टेबल पर पढ़ा रही हैं या आप उनको टेबल कुर्सी पे भी पढ़ा रही हैं, तो उनको दूर दूर बिठाइए। अगर बच्चा पास पास बैठेगा तो वो एक दूसरे से टॉकिंग करेगा, एक दूसरे की कॉपी में देखेगा, एक दूसरे को पेंसिल चुभाएगा, एक दूसरे का इरेजर खींचेगा, तो वो बार बार डिस्टर्ब करेगा, न तो खुद पढ़ेगा ना सामने वाले को पढ़ने देगा। तो दोनों बच्चे एक दूसरे से इसी में लगे रहेंगे, आप बोलोगे आपकी बात नहीं सुनेगा, हाँ, और आप एक दूसरे से मस्ती करने रहेंगे, क्योंकि बच्चे हैं वो। तो वो बच्चों को थोड़ा पता है कि हमें क्या करना है, हर मम्मा हमसे क्या करवाना चाह रही है, मम्मा हमको वर्क करवा रही है, वो तो मस्ती में रहेंगे। स्कूल में ही बच्चा ऐसे करता है और मैम जो 30 या 40 बच्चे होते हैं उनको मैनेज करके चलती है। तो इसलिए आपको घर पर भी यही ध्यान रखना है कि अगर आप ट्यूशन्स भी पढ़ा रहे हो या अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो तो उनके बीच में डिस्टेंस रखें, आप उनके पास ही बैठे। जैसे दो बच्चे हैं आपके, एक को इधर बिठाया एक को उधर बिठाया, बीच में आप बैठ जाइए। ट्यूशन्स पे अगर आप बिठा रहे हो तो बच्चों को दूर दूर बिठा के उनके पास ही आप बैठ जाइए। अगर आप उनके पास ही बैठे रहेंगे तो बच्चों का आपका डर रहेगा। अगर आप उनको वर्क देके बोलेंगे कि आप वर्क करो मैं भी आती हूँ, आप अपना काम निपटाने में रहेंगी, तो बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा। इसलिए मैं बोलती हूँ जब आप फ्री हो तभी बच्चों को आप लेकर बैठिए, तभी बच्चा आपकी बात मानेगा और आपकी बात भी सुनेगा। फोर्थ टिप ये है कि आप बच्चों को है ना इरेजर, थर्ड टिप हुई है, बच्चों को आपने इरेजर और शॉर्पनर बार बार यूज करने नहीं देना है। अगर आप बच्चे के पास इरेजर होगा ना या पेंसिल, वो शॉर्पनर होगा, तो वो बच्चा क्या करेगा, बार बार पेंसिल को ही शार्प करता रहेगा। मैंने ये देखा है बच्चों को, मेरे ट्यूशन से बच्चे आते हैं तो मैम पेंसिल मोटी हो गई और बार बार पेंसिल को शार्प करते रहते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, सबका पेंसिल जो शार्पनर है सबके बैग में डलवा देती हूँ, इरेजर में जरूर बाहर रख पाती हूँ, शार्पनर मैं अपने पास रखती हूँ बच्चों का, इरेजर भी उनको यूज करने नहीं देती कि जब आपकी मिस्टेक को पहले मुझे दिखाओ आपने क्या मिस्टेक करी है तभी उसको इरेज करेंगे। बच्चे क्या करते, थोड़ा सा भी टेढ़ा हुआ या कुछ हुआ इतनी मुश्किल से तो खुद ने लिखा और उसको इरेज करते रहते और कॉपी को फाड़ देंगे या तो या काला कर देंगे। तो उसके बाद वो कितना भी अच्छा लिखने की कोशिश करें वो पेज खराब हो चुका है, उस पर उनकी राइटिंग अच्छी आएगी नहीं। तो आप बच्चे को पेंसिल, शार्पनर और इरेजर कम से कम यूज करने दें, अपने पास रखें, जब उनकी कोई मिस्टेक हो जाए तो आप ही इरेज करिए और आप ही उनको शार्प करने को दीजिए, क्योंकि वैसे बार बार बच्चे डिस्टर्ब होंगे तो उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट या उनका ध्यान नहीं लगेगा। चौथी और इम्पोर्टेंट टिप्स कि बच्चों को पढ़ते समय भूख, प्यास, पोटी, सुसु ये सब लगता है। ये स्कूल में भी प्रॉब्लम होती है, ट्यूशन्स में भी प्रॉब्लम होती है और घर पे जब मम्मी पढ़ा रही है बच्चों को तब भी ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को जैसे ही पढ़ने बैठे, स्कूल में भी हम ये बहुत प्रॉब्लम को फेस करते हैं कि बच्चे का अगर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मैम कुछ टेस्ट ले रही है या मैम कुछ लिखा रही है और उनको लिखने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई मजा नहीं आ रहा उनको, उनका मन नहीं है, तो मैम मे आई गो टू वॉशरूम, मैम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, इसी में लगे रहते हैं। अब बच्चे को मना भी नहीं कर सकते हम बार बार कि उसे आ रहा होगा, है ना। और घर पे भी बच्चे को जैसे आप पढ़ाने बैठेंगे तो मम्मा मुझे सुसु आ रही है, मम्मा भूख लग रही है, मम्मा पोटी आ रही है, मम्मा प्यास लग रही है, तो आप क्या करिए कि आप बच्चे को जब भी पढ़ाने बैठे उनको प्रॉपर खाना पीना उनका कर दीजिए, ठीक है। और उसे बोलिए जाइए आप सुसु करके आइए, अगर आपको पोटी आ रही है तो पोटी कर आइए, उसके बाद मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनूंगी, एक घंटे तक आपको खाना नहीं मिलेगा क्योंकि आपने पहले खा लिया है और सुसु पोटी भी आप कराए हो, ठीक है। और वाटर बॉटल अपने पास रखिए। तो अब बच्चे के पास क्या है कि अब बच्चा अब आपके पास आपके साथ बहाने नहीं बनाएगा, आपसे बार बार ये नहीं बोलेगा कि मम्मा मुझे पोटी आ रही है, मुझे भूख लग रही है, मुझे सुसु आ रही है, क्योंकि उसे पता है मैंने नाश्ता कर लिया है, मैंने खाना खा लिया है, मैं अभी सुसु करके आया हूँ, मम्मा भेजेगी नहीं। और अगर उसे प्यास लग रही है तो वाटर बॉटल पास में ही है तो उसमें थोड़ी सी देर लगेगी और बच्चा आराम से पानी पी लेगा और फिर मम्मा उसको पढ़ाएगी, तो बार बार बहाने नहीं मारेगा। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप बच्चे को जब भी पढ़ाने बैठे तो उसके साथ बैठे, अगर आप उसके साथ नहीं बैठेंगे तो वो ऐसे बहाने आपके आपको लगाता रहेगा, ठीक है। फिफ्थ ये इम्पोर्टेंट टिप्स ये है कि अगर आपके पास आपके दो बच्चे हैं और डिफरेंट एज के हैं, अगर आप ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं वो भी ध्यान दें कि अगर आपके दो बच्चे हैं और वो डिफरेंट एज के, एक बच्चा छोटा है और एक बच्चा बड़ा है, तो आपने छोटे बच्चे को तो वर्क करवा दिया जल्दी से क्योंकि उनका वर्क कम है, उन्हें अल्फाबेट लिखवानी है, वर्णमाला लिखवानी है या काउंटिंग लिखवानी है। लेकिन जो बड़ा बच्चा है उसे चैप्टर भी रीड करना है, समझना भी है, क्वेश्चन आंसर भी लिखवाने हैं या सम्स है तो वो करवाने हैं, तो उसमें टाइम लगेगा। अब छोटे बच्चे को तो आपने क्या किया कि आपने आधे एक घंटे में वर्क करा के बोला कि जाओ बेटा तुम खेल लो, मोबाइल देख लो, ठीक है।
जो बड़ा बच्चा है उसके दिमाग पे इसका बहुत असर होता है। वो देखता है कि इस बच्चे ने वर्क कर लिया और मम्मा ने उसको खेलने के लिए भेज दिया या मोबाइल दे दिया या टीवी देखने को बोल दिया, तो मैं भी जल्दी से अपना वर्क कर लूंगा और मैं भी ये सब चीजें कर सकता हूँ। तो वो जल्दी जल्दी अपना गंदा गंदा वर्क करेगा और आप उसको बार बार डांटोगे, बार बार टोकोगे, तो बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, वो झुंझलाएगा कि क्या मुसीबत है, छोटे भाई को तो, छोटे बहन को तो मम्मी ने जल्दी कर दिया है ना, या ट्यूशन पे बच्चे बोलेंगे छोटे बच्चों को तो मम्मी मैम जल्दी फ्री कर देती है और हमें मैम इतना सारा वर्क करवाती है। तो आप क्या करिए, आप छोटे बच्चे को फ्री मत छोड़िए। जैसे ही उसका वर्क कंप्लीट हो गया उसे बोलिए बेटा कलरिंग कर लो आप, है ना, किसी चीज में उसको उसको पिक्चर बना दीजिए या पिक्चर की बुक्स आती हैं वो ले आइए और बच्चों को कलर दीजिए कि बेटा आप इसमें कलर करो, बैठ के आप बताओ मुझे इसमें कौन सा कलर करोगे, इसमें कौन सा कलर करोगे। तो इस तरह से बच्चे को बिजी रखिए। जब तक आप बड़े बच्चे को पढ़ा रहे हो तो उस छोटे बच्चे को वहीं पर बिजी रखिए, उसको टीवी देखने और मोबाइल की और खेलने की इजाजत मत दीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है क्योंकि बड़े बच्चे का दिमाग उसका डाइवर्ट हो जाता है और बड़े बच्चे की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए उसको पढ़ना भी बहुत जरूरी है और आपको उसको पढ़ाना भी बहुत जरूरी है। और इस समय तो बच्चों का वैसे ही बहुत बुरा हाल है, तो बच्चों के ऊपर ध्यान देना आपको बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये 5 टिप्स हैं जो आपके बहुत काम के होंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। तो आप प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके देन, थैंक यू, बाय।